ठियोग के सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा व बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी जिला मंडल के अध्यक्ष ने राकेश सिंघा को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल बताया है। इस पर राकेश सिंघा ने पलटवार किया है, बीजेपी के बयानबाजी को बेबुनियाद बताया है। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि बीजेपी जिला मंडल के अध्यक्ष ने अपनी बयानबाजी में कहा कि ठियोग के विधायक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। उनका ये आरोप निराधार है। इसके साथ ही देश व प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सिंघा ने कहा कि इस सरकार के अंदर क्षमता नहीं है कि वर्तमान स्थिति का आंकलन कर सके। कोरोना से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है। पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो आपके जिला के जो अध्यक्ष है माननीय अजय श्याम जी, उनने कुछ इस तरीके से प्रेस सम्मेलन के जरिए बात को रखा जिससे कि लोगों में भ्रम पैदा हुआ। वो प्राथमिकता के स्कीमों को लेकर उन्होंने किया है। मैंने बड़े विस्तार से इस बात को समझाया है। प्राथमिकता सिर्फ एक चीज होती है, जिसकी डीपीआर जब बन जाएगी वही प्राथमिकता के लिए जाता है, और उसको भी नाबार्ड से फाइनेंस अपने आप ही नहीं हो जाता है, नाबार्ड की भी अप्रूवल चाहिए होती है। हमने हर विभाग को आदेश दे दिए हैं और उनको हमने कहा है कि हम सहयोग भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़े, जिसके लिए मैंने काम भी शुरू कर दिया है, प्राइवेट कंसल्टेंसी डीपीआर को बनाने के लिए भी काम कर दिया है, और वो जिस समय तैयार होगी उसको हम शामिल कर वो क्या कहते हैं उसमें कर देगा। तो इसलिए कोई ऐसा ठियोग की जनता ये ना महसूस करे कि हम उसका सिर झुकने देंगे। ठियोग और कुमारसेन की जनता अपना सिर ऊंचा चला के क्या कहते चले, क्योंकि उनका जो नुमाइंदा है वो सबसे बेहतरीन क्या कहते अपने आप को साबित करेगा, कुर्बानी भी देगा, और उनके साथ हर दुख तकलीफ में खड़ा होने का वो प्रयत्न करेगा। आज दूसरा सेकंड वेव शुरू हो गया है, रोज इस पर चर्चा होती है। सरकार तो अभी हेलीकॉप्टर में ही घूम रही है, और 7 तक के मेरे ख्याल ये सरकार हेलीकॉप्टर में ही घूमते रहेगी। तो इसलिए इस पर हम बहुत क्लियर हैं कि इस कोविड के चलते हुए जो प्रिकॉशंस हैं वो तो पूरे पूरे करने हैं, लेकिन सरकार की जो एक अहम जिम्मेवारी है वो है हेल्थ सिस्टम को मजबूत करे। आज हालात क्या हैं ठियोग के अंदर, दूसरे पीएचसी के अंदर, हमारे पास जो पूरा स्टाफ के लिए वो आज तक उपलब्ध नहीं है। बाकी छोड़ो, शिमला शहर देख लो कि क्या हालात हैं। जो हमारा रिपन हॉस्पिटल है अभी तक ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं कर सकी है सरकार, और अभी सेकंड वेव क्या कहते हैं शुरू हो गई है, और सेकंड वेव जो अभी तक इतिहास नए वायरस का रहा है सबसे खतरनाक होता है। लेकिन वायरस से हम इतना ना घबरा जाएं, ना इतना पैनिक क्रिएट करें कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये राक्षस उस रूप का राक्षस नहीं है जो सबको खा जाएगा। हाँ, सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी है, लोगों को अपनी जिम्मेवारी निभानी है, और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए लाइव भी बचानी है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि लाइवलीहुड बचाना चाहिए। देखते रहिए हिमाचल का नंबर 1 डिजिटल टीवी चैनल द सर्च रिपोर्ट न्यूज सर्विस TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।